साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम बाबू हरदास एलन जो जय भीम के जनक हैं, भारत में जय भीम यह नारा सबसे पहले देने वाले बाबू हरदास एलन, इनका जन्मदिन 6 जनवरी और उनका स्मृति दिन आता है 12 जनवरी। तो ऐसे ये 35 साल जीने वाला ये व्यक्ति, जिसके जाने के पश्चात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी कह उठे कि मेरा दाहिना हाथ चला गया। तो ऐसे ये बाबू हरदास एलन की स्मृति में कनान के इस घाट पर कई सालों से एक मेला लगता है। मेला इसलिए लगता है, वो उत्सव की तरह नहीं, तो ये मेला इसलिए लगता है कि अपने महापुरुषों ने जो काम किया है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक काम समता सैनिक दल के माध्यम से होता है। और इसका कई सालों से एक जो नेतृत्व है, संयोजन है, भदंत नाग दीपंकर थेरो, ये करते रहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहते हैं। आपको मैं इस जगह पर ले आया हूँ और अभी हम जानते हैं थोड़ी सी कुछ बातें, उसके बाद मैं आप लोगों को ये पूरे परिसर में क्या क्या हो रहा है इसके तमाम जानकारी इस चैनल के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आज हमारे साथ में जो है भदंत नाग दीपंकर, उनसे इस बारे में जानकारी लेते हैं। भदंत जी जय भीम। तो आप ये जो कार्य कर रहे हैं समता सैनिक दल के माध्यम से, ये जो शिविर लगा हुआ है, ये कितने दिनों का शिविर है और किस तरह से यहाँ कितने दिन तक चलने वाला है ये शिविर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। यह शिविर 12 तारीख से बाबू हरदास एलन के स्मृति दिन से आरंभ हुआ है और 15 जनवरी को हरदास मेला होता है, उसके बाद में 16 तारीख को इसका समापन होगा। अच्छा, ये समता सैनिक दल के माध्यम से सब काम होता है, तो समता सैनिक दल के बारे में भी आप विस्तार से जानकारी। यह जो समता सैनिक दल का प्रशिक्षण शिविर है और इस शिविर का एक अपना अलग इतिहास है। समता सैनिक दल की स्थापना परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में की थी 19 मार्च को। उसके पहले भीम सेवक संघ के नाम से कुछ मिलिट्री से रिटायरमेंट लोगों ने इस संगठन की नींव रखी बाबा साहब के संरक्षण के लिए। बाबा साहब के संरक्षण के लिए इस संगठन की नींव रखी, लेकिन 19 मार्च 1927 को महार के 14 तालाब के सत्याग्रह के अवसर पर बाबा साहब ने इस संगठन का नाम बदल कर सोशल इक्वालिटी फोर्स इस नाम से इस संगठन का नाम रखा। और इसके सूबेदार सावदकर, मेजर सावन जैसे जाबाज एक सर्विस मैन लोगों ने उस समय समाज हित में, समाज संरक्षण के लिए जो प्यारा मिलिट्री प्रशिक्षण है उसके माध्यम से समाज को, समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकने का प्रयास किया। 1942 में इस समता संघ का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ और उस अधिवेशन में सरदार गोपाल सिंह यह समता सैनिक दल के अध्यक्ष बने गए थे। दूसरे अध्यक्ष सुबैया, तीसरे अध्यक्ष मार्केबुआ जाधव, चौथे अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़ और पांचवे अध्यक्ष उस समय के कर्मवीर बाबू आवड़े। और कर्मवीर आवड़े बाबू जी के बाद में जी के माने 1971 से लेके 2002 तक, 2002 के बाद में दादा साहब पराड़, उसके बाद में इंजीनियर विजय मेश्राम और आज समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दादा साहब गायकवाड़ कोचे, इनके मार्गदर्शन में समता सैनिक दल का ये कारवा बढ़ते जा रहा है। हरदास घाट कनान पर इस मेले में 15 जनवरी के अवसर पर, जहां एक जमाने में सिपियान बेरार के काल में विविध प्रकार की स्पर्धाएँ होती थी, कबड्डी की, हुतुतु की, लंगड़ी की, उसी प्रकार समता सैनिक दल का भी इस पावन भूमि पर प्रशिक्षण शिविर उस समय लगता था जब बाबू हरदास एलन इनका 1939 में निधन हुआ। क्योंकि बाबू हरदास एलन जिन्होंने 1927 में दल के स्थापना होने के बाद से लेके तो
1930-31 के काल में सिपियान बिहार में इस संगठन की नींव रखने का, इस संगठन को मजबूत करने का, नहीं तो 1935 में इस संगठन के लिए स्वतंत्र संगठन स्वतंत्र नियमावली घटना दी। और इसीलिए बाबू हरदास सेन इस मध्य प्रांत के उस समय के समता सेन के आधार स्तंभ माने गए। और इसी कारणवंश बाबू हरदास इनका निधन होने के बाद में 1940 से यहाँ जो मेला लगता है, इस मेले में उस समय के जाबाज लोग, इन बाबा साहब के मार्गदर्शन में काम करने वाले उस समय के देश के समता सेन के जाबाज लोगों के मार्गदर्शन में इस समता सेन का सेवा सुरक्षा और प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता कि जहां पीटी परेड लाठी जूडो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग रेस्क्यू आदि का प्रशिक्षण देते समय बौद्धिक मार्गदर्शन भी दिया जाता, इतिहास अभिमुख भी मार्गदर्शन किया जाता। और इस माध्यम से समता सैनिक दल यह आज भी पिछले 30 सालों से, कुछ सालों तक बीच में दल की एक्टिविटी यहाँ बंद हो गई थी, मगर जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास सेन स्मृति समिति और समता सैनिकों के पुनर्बांधनी के बाद 1990 से लेके आज तक इस परिसर में दल का कैंप लगता है। समता सैनिक दल ये एक स्वयंसेवी संगठन है। समता सैनिक दल ये प्यारा मिलिट्री संगठन है। समता सैनिक दल ये कोई सोशल संगठन नहीं, ये व्यक्तिमत्व विकास केंद्र है। समता सैनिक दल ये कार्यशाला है समाज के इतिहास अभिमुख मूल्य को प्रशिक्षित करने की। और इसीलिए समता सैनिक दल के माध्यम से नेतृत्व निर्माण किया जाता है, नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। आंदोलक निर्माण किए जा सकते हैं लेकिन आंदोलन नहीं किया जा सकता, यह समता सैनिक दल की आइडेंटिटी। इस संगठन के माध्यम से एक सोशल सेवाभावी वृत्ति से स्वयंसेवक तैयार करना है, स्वयंसेवकों को इतना सक्षम बनाना है अपने विचारधारा के प्रति, अपने आंदोलन के प्रति, अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों के प्रति, अपने जवाबदारी ऋणानुबंध उत्तरदायित्व के प्रति, कि उनके मन में एक प्रकार से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो आंदोलन की शैली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस इस राष्ट्र को निर्माण करने के दृष्टिकोण से जो संविधान व प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का अपेक्षा की थी, उसकी निर्मिति के लिए विद्यार्थी मनों में, विद्यार्थियों के विचारों में एक प्रकार से वो विचारधारा लीन करना, उस विचारों से उन्हें ओतप्रोत करना और उस माध्यम से उन्हें अम्बेडकरी विचारधारा का संरक्षक बनाना, यह अतिशय महत्वपूर्ण बात इस समता सैनिक के माध्यम से की जाती है। और इसीलिए समता सैनिक में आपने देखा होगा कि समता सैनिक में पीटी परेड से लेकर लाठी जूडो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग रेस्क्यू अनन्य प्रकार के जो शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक कवायद है, और उसी प्रकार शरीर सुदृढ़ता के लिए भी यानी सेल्फ डिफेंस के दृष्टिकोण से जो जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो तमाम प्रशिक्षण का बौद्धिक मार्गदर्शन भी होता है, मेडिटेशन भी होता है मन की एकाग्रता के लिए, यानी सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक सांस्कृतिक और व्यवहारिक और वैचारिक दृष्टिया सैनिक ये प्रगल्भ बने, यह बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण उद्देश्य इस संगठन का है। और इसीलिए इस संगठन के माध्यम से कनान नदी के किनारे विद्रोह का पानी जलाने वाले बाबू हरदास सेन, जो इस समता सैनिक आंदोलन के जाबाज सेनानी थे, जो एक सुसाइड स्क्वाड के प्राण यज्ञ दल के प्रवर्तक थे, और उन्होंने इस संगठन के माध्यम से जो उस जमाने में जो पिछले 70-80 साल पहले जो संगठन खड़ा किया, उस संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से अनन्य विषमतावादी लोगों पर इस संगठन की छाप पड़ी थी, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी समाज के विद्यार्थी लोग समता सैनिक के मूल प्रवाह में, मूल उद्देश्यों को लेकर, जैसे जिस प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि 25 पैसे की वो घटना थी, पहल मुंबई में दल का उस समय का ऑफिस था, और उस समय वो जो दल की घटना बनाई गई थी उसको मैंने 1992 में छपाया था, उसको 92 में 10 रुपये में छपाया था, और आज मैंने एक नई दल की घटना हम लोगों के सहयोग से तैयार की है, उसमें समता सैनिक की घटना तो है ही है मूल घटना, उसके बाद में वो इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी में वो घटना बनाई गई है। उसके साथ साथ उस घटना में जो अमेंडमेंट हुए 1956 के बाद में जो अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट को भी हमने उसमें इन्वॉल्व किया है। और उस अमेंडमेंट के साथ साथ जैसा कि शाक्य संघ, वर्जी संघ, कालाम सूत्र और सैनिक, यानी क्या सैनिक की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि एक सामान्य नागरिक सैनिक नहीं हो सकता,
जिस प्रकार से फौज में जो सिपाही होते हैं मिलिट्री के, जिस प्रकार से नागरिक जीवन में जो सामान्य राज्यों में जो सिपाही होते हैं पुलिस, उसी प्रकार से अपने अपने विचारधारा की रक्षा के लिए बनाए गए जो सैनिक है, वो सैनिक कितनी संख्या में ये महत्व का नहीं, मगर वो सैनिक है और वो विचारधारा समाज और संगठन इनके सदा सर्वदा संरक्षक होते हैं और उसकी रक्षा के लिए वे सदा सर्वदा अपने आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए तत्परता से आगे आते हैं। ऐसे सैनिकों का संगठन यानी समता सिंह दल है और इसीलिए इस संगठन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि अनन्य लोगों ने जो सहयोग दिया है, अनन्य लोगों ने इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि उस समय के नागपुर परिसर में जो पुराने लोग थे, उन लोगों के सहयोग से 1988 में समता सिंह दल की नींव रखी गई पुनर्बांधनी की, और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल कार्रवाई चालू हुआ 1988 के बाद में जो प्रैक्टिकल कार्रवाई चालू हुआ, जिसमें गणवेशधारी सैनिकों की संख्या दिखने लगी। गांव कस्बे में नक्सलाइट इलाके में हम जाते थे, कोई हमें नागपुर में भी कोई बोले सिक्योरिटी गार्ड है क्या, कोई बोले ट्रैफिक पुलिस है क्या, कोई अनन्य प्रकार, क्योंकि कई लोगों ने ये समता सिंह दल उस जमाने में क्या था, जो करमर बाबू के जमाने में, आवड़े के जमान था, माने साहब के जमान था, ससायकर साहब के जमान था, आर आर पाटिल साहब के जमान था, उन लोगों को साथ नहीं लेके 1988 में इस संगठन की पुनर्बांधनी की गई और इसके माध्यम से आज भी ये संगठन उसी विचारधारा के साथ पुराने इतिहास को सामने रखकर और पूर्वजों के आदर्शों को सामने रखकर ये संगठन आज भी काम करते जा रहा है। और इसीलिए प्रशिक्षण शिविर लगाते समय सैनिकों को क्या क्या देना है, क्या क्या प्रकार से प्रशिक्षित करना है, ये तमाम बातें हम इसमें उजागर करने का प्रयास करते हैं, सैनिकों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे कि आज के वर्तमान विषम काल में, आज का जो काल है, जो विषमता का काल है, लेकिन 100 साल पहले इस संगठन की जितनी जरूरत आज नहीं पड़ी थी, उतनी मेरे ख्याल से आज आवश्यकता है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि उस समय में जितनी जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय का समाज और परिवार संगठित थे, निष्ठावान थे, स्वाभिमानी थे और विचारधारा के प्रति एक निष्ठ थे। आज वर्तमान हमारा समाज हा विविधांगी स्वार्थ में, पद प्रतिष्ठा के लालच में या फिर किसी औरों के विचारधाराओं के साथीदार बनकर बाबा साहब के विचारों के पाइक होने का भी डंका पीटते हैं, मगर आज इस जमाने में, आज के विषम काल में सही मायने में अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर काम करने वाले जाबाज लोगों की ज़रूरत है। और इसके लिए समाज के जो मैं और मेरे में जो फंसे हुए लोग हैं, उन्हीं से मैं निवेदन करूँगा कि हम साथ साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तूफान पड़े जहान में भीम के गीत गाएंगे, इस प्रकार के गीतों के माध्यम से हम आपस में संगठन की नींव रखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊठ ऊठ सैनिका दुष्ट थे वतू पुड़े, सत्ता समता भारती धैर्य गाठ न करे, जिस प्रकार से ये संगठन के गीत है, इस माध्यम से हम चाहेंगे कि वर्तमान में ये समाज इस सैनिक आंदोलन के साथ जुड़े। जहाँ घर है वहाँ से एक सैनिक निर्माण हो, जहाँ गांव है वहाँ एक शाखा लगे, कम से कम उस जमाने में जैसा कि हमारे पूर्वज अखाड़ा शाखा चलाते थे, अष्टपहलू गुण के प्रशिक्षण पढ़ते थे और अष्टपहलू गुणों के साथ साथ अपनी विचारधारा के प्रति और अपने परिवार समाज की निष्ठा के प्रति जागरूक रहते थे और इसीलिए बाहर का शत्रु हमारे समाज के ऊपर हावी होने को आगे पीछे देखता था। आज विषम काल में इस प्रकार की स्थिति नहीं, इसलिए हमारी ज़रूरत है कि आज के काल के दृष्टिकोण से हम फिर से एक बार एकता के साथ, संगठन के साथ, मूल ध्येय, मूल तत्व, मूल विचारधारा और इतिहास के साथ फिर एक बार इस संगठन को बनाने का प्रयास करें, संगठित होने का प्रयास करें और मैं और मेरे की भावना को नष्ट करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आने वाले 15 जनवरी को आप सभी इस स्मृति भूमि हरदास घाट कनान में जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन इनके समाधि स्थल को अभिवादन करने के लिए एकत्रित हो। आज हरदास स्मृति स्मारक हरदास घाट कनान इस स्मृति भूमि पर मैत्री इंडिया इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस परिसर में आकर जो
इस परिसर का जो आकलन किया, इस परिसर की जो सत्यता ढूंढने का प्रयास किया, इसके लिए मैं मैत्री इंडिया के संचालक सम्माननीय वामन जी सोमकर इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से जय भीम पर्वतक बाबू हरदास सेलन स्मृति समिति द्वारा किए जा रहे कार्य को और समता सिंगल के प्रशिक्षण के द्वारा जो कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही उसका आँखों देखा हाल जन सामान्य के मन में उजागर कर समता सिंगल के आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद होंगी, एक कामयाबी होंगी, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए मैं इन शब्दों के साथ इस मैत्री इंडिया चैनल को अपनी शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। यह जो समता सिंगल का प्रशिक्षण शिविर है और इस शिविर का एक अपना अलग इतिहास है। समता सिंगल की स्थापना परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर ने 1927 में की थी 19 मार्च को। उसके पहले भीम सेवक संघ के नाम से कुछ मिलिट्री से रिटायरमेंट लोगों ने इस संगठन की नींव रखी बाबा साहब के संरक्षण के लिए। बाबा साहब के संरक्षण के लिए इस संगठन की नींव रखी, लेकिन 19 मार्च 1927 को महार के 14 तालाब के सत्याग्रह के अवसर पर बाबा साहब ने इस संगठन का नाम बदल कर सोशल इक्वालिटी फोर्स इस नाम से इस संगठन का नाम रखा। और इसके सूबेदार सवदकर मेजर सावन जैसे जाबाज एक सर्विसमैन लोगों ने उस समय समाज हित में समाज संरक्षण के लिए जो प्यारा मिलिट्री प्रशिक्षण है उसके माध्यम से समाज को, समाज के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार को रोकने का प्रयास किया। 1942 में इस समता सिंगल का पहला राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में हुआ और उस अधिवेशन में सरदार गोपाल सिंह यह समता सिंगल के अध्यक्ष बने गए थे। दूसरे अध्यक्ष सुबैया, तीसरे अध्यक्ष मार्केबुआ जाधव, चौथे अध्यक्ष दादा साहब गायकवाड़ और पांचवे अध्यक्ष उस समय के कर्मवीर बाबू आवड़े। और कर्मवीर आवड़े बाबू जी के बाद में जी के माने 1971 से लेके 2002 तक, 2002 के बाद में दादा साहब पराग, उसके बाद में इंजीनियर विजय मेश्राम और आज समता सिंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर दादा साहब कोचे, इनके मार्गदर्शन में समता सिंगल का ये कारवा बढ़ते जा रहा है। हरदास घाट कनान पर इस मेले में 15 जनवरी के अवसर पर जहां एक जमाने में सिपियान बेरार के काल में विविध प्रकार की स्पर्धाएँ होती थी, कबड्डी की, हुतुतु की, लंगड़ी की, उसी प्रकार समता सिंगल का भी इस पावन भूमि पर प्रशिक्षण शिविर उस समय लगता था जब बाबू हरदास सेलन इनका 1939 में निधन हुआ। क्योंकि बाबू हरदास सेलन जिन्होंने 1927 में दल के स्थापना होने के बाद से लेके तो 1930-31 के काल में सिपियान बेरार में इस संगठन की नींव रखने का, इस संगठन को मजबूत करने का, नहीं तो 1935 में इस संगठन के लिए स्वतंत्र संगठन, स्वतंत्र नियमावली घटना दी। और इसीलिए बाबू हरदास सेलन इस मध्य प्रांत के उस समय के समता सिंगल के आधार स्तंभ माने गए। और इसी कारणवंश बाबू हरदास इनका निधन होने के बाद में 1940 से यहाँ जो मेला लगता है, इस मेले में उस समय के जाबाज लोग, इन बाबा साहब के मार्गदर्शन में काम करने वाले उस समय के देश के समता सिंह के जाबाज लोगों के मार्गदर्शन में इस समता सिंह का सेवा, सुरक्षा और प्रशिक्षण शिविर लगाया जाता कि जहां पीटी, परेड, लाठी, जूडो, फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू आदि का प्रशिक्षण देते समय बौद्धिक मार्गदर्शन भी दिया जाता, इतिहास अभिमुख भी मार्गदर्शन किया जाता। और इस माध्यम से समता सैनिक दल यह आज भी पिछले 30 सालों से, कुछ सालों तक बीच में दल की एक्टिविटी यहाँ बंद हो गई थी, मगर जय भीम पर्वतक बाबू हरदास सेलन स्मृति समिति और समता सिंगल के पुनर्बांधने के बाद 1990 से लेके आज तक इस परिसर में दल का कैंप लगता है। समता सिंगल ये एक स्वयंसेवी संगठन है। समता सिंगल ये प्यारा मिलिट्री संगठन है। समता सिंगल ये कोई सोशल संगठन नहीं।
ये व्यक्तिमत्व विकास केंद्र है, समता संग्रह ये कार्यशाला है समाज के इतिहास अभिमुख मूल्य को प्रशिक्षित करने की, और इसीलिए समता संग्रह के माध्यम से नेतृत्व निर्माण किया जाता है, नेतृत्व नहीं किया जा सकता है। आंदोलक निर्माण किए जा सकते लेकिन आंदोलन नहीं किया जा सकता, यह समता संघ के आइडेंट के इस संगठन के माध्यम से एक सोशल सेवाभावी वृत्ति से स्वयंसेवक तैयार करना है, स्वयंसेवकों को इतना सक्षम बनाना है अपने विचारधारा के प्रति, अपने आंदोलन के प्रति, अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचारों के प्रति, अपने जवाबदारी ऋणानुबंध उत्तरदायित्व के प्रति, कि उनके मन में एक प्रकार से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो आंदोलन की शैली थी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस इस राष्ट्र को निर्माण करने के दृष्टिकोण से जो संविधान और प्रबुद्ध भारत निर्माण करने का अपेक्षा की थी, उसकी निर्मिति के लिए विद्यार्थी मनों में, विद्यार्थियों के विचारों में एक प्रकार से वो विचारधारा लीन करना, उस विचारों से उन्हें ओतप्रोत करना और उस माध्यम से उन्हें अम्बेडकरी विचारधारा का संरक्षक बनाना, यह अतिशय महत्वपूर्ण बात इस समता संघ के माध्यम से की जाती है। और इसीलिए समता संघ में आपने देखा होगा कि समता संघ में पीटी परेड से लेकर लाठी जुड़ो फर्स्ट एड फायर फाइटिंग रेस्क्यू अनन्य प्रकार के जो शारीरिक व्यायाम है, शारीरिक कवायद है, और उसी प्रकार शरीर सुदृढ़ता के लिए भी यानी सेल्फ डिफेंस के दृष्टिकोण से जो जो आवश्यक प्रशिक्षण है वो तमाम प्रशिक्षण का बौद्धिक मार्गदर्शन भी होता है, मेडिटेशन भी होता है मन की एकाग्रता के लिए, यानी सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक सांस्कृतिक और व्यवहारिक और वैचारिक दृष्टिया सैनिक ये प्रगल्भ बने, यह बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण उद्देश्य इस संगठन का है। और इसीलिए इस संगठन के माध्यम से कनान नदी के किनारे विद्रोह का पानी जलाने वाले बाबू हरदास एलन, जो इस समता संघर्ष आंदोलन के जाबाज सेनानी थे, जो एक सुसाइड स्क्वाड के प्राण यज्ञ दल के प्रवर्तक थे, और उन्होंने इस संगठन के माध्यम से जो उस जमाने में जो पिछले 70-80 साल पहले जो संगठन खड़ा किया, उस संगठन के माध्यम से जिस प्रकार से अनन्य विषमतावादी लोगों पर इस संगठन की छाप पड़ी थी, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी समाज के विद्यार्थी लोग समता संघ के मूल प्रवाह में मूल उद्देश्यों को लेकर, जैसा जिस प्रकार मैं बताना चाहूँगा कि 25 पैसे की वो घटना थी, पहल मुंबई में दल का उस समय का ऑफिस था, और उस समय वो जो दल की घटना बनाई गई थी उसको मैंने 1992 में छपाया था, उसको 92 में 10 रुपये में छपाया था, और आज मैंने एक नई दल की घटना हम लोगों के सहयोग से तैयार की है, उसमें समता संघ की घटना तो है ही है मूल घटना, उसके बाद में वो इंग्लिश हिंदी और अंग्रेजी में वो घटना बनाई गई है, उसके साथ साथ उस घटना में जो अमेंडमेंट हुए 1956 के बाद में जो अमेंडमेंट हुए हैं, उन अमेंडमेंट को भी हमने उसमें इन्वॉल्व किया है, और उस अमेंडमेंट के साथ साथ जैसा कि शाक्य संघ, वर्जी संघ, कालाम सूत्र और सैनिक, यानी क्या सैनिक की जिम्मेदारी क्या है, क्योंकि एक सामान्य नागरिक सैनिक नहीं हो सकता, जिस प्रकार से फौज में जो सिपाही होते हैं मिलिट्री के, जिस प्रकार से नागरिक जीवन में जो सामान्य राज्यों में जो सिपाही होते हैं पुलिस, उसी प्रकार से अपने अपने विचारधारा की रक्षा के लिए बनाए गए जो सैनिक है, वो सैनिक कितनी संख्या में ये महत्व का नहीं, मगर वो सैनिक है और वो विचारधारा समाज और संगठन इनके सदा सर्वदा संरक्षक होते हैं, और उसकी रक्षा के लिए वे सदा सर्वदा अपने आहुति देने के लिए, बलिदान देने के लिए तत्परता से आगे आते हैं, ऐसे सैनिकों का संगठन यानी समता संघ है। और इसीलिए इस संगठन के माध्यम से मैं चाहूँगा कि अनन्य लोगों ने जो सहयोग दिया है, अनन्य लोगों ने इस संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया, मैं बताना चाहूँगा कि उस समय के नागपुर परिसर में जो पुराने लोग थे, उन लोगों के सहयोग से 1988 में समता संघ की नींव रखी गई पुनर्बांधने की, और उसके बाद में जो प्रैक्टिकल कार्रवाई चालू हुआ 1988 के बाद में जो प्रैक्टिकल कार्रवाई चालू हुआ, जिसमें गणवेशधारी सैनिकों की संख्या दिखने लगी, गांव कस्बे में
नक्सलाइट इलाके में हम जाते थे, कोई हमें नागपुर में भी कोई बोले सिक्योरिटी गार्ड है क्या, कोई बोले ट्रैफिक पुलिस है क्या, कोई अनंत ने पकड़, क्योंकि कई लोगों ने ये संतोष सिंह उस जमाने में क्या था जो कर्मवीर बाबू के जमाने में, आवड़े के जमान था, माने साहब के जमान था, ससाकर साहब के जमान था, आर आर पाटिल साहब के जमान था, उन लोगों को साथ नहीं लेके 1988 में इस संगठन की पुनर्बांधनी की गई और इसके माध्यम से आज भी ये संगठन उसी विचारधारा के साथ पुराने इतिहास को सामने रखकर और पूर्वजों के आदर्शों को सामने रखकर ये संगठन आज भी काम करते जा रहा है। और इसीलिए प्रशिक्षण शिविर लगाते समय सैनिकों को क्या क्या देना है, क्या क्या प्रकार से प्रशिक्षित करना है, ये तमाम बातें हम इसमें उजागर करने का प्रयास करते हैं, सैनिकों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। हम चाहेंगे कि आज के वर्तमान विषम काल में, आज का जो काल है, जो विषमता का काल है, लेकिन 100 साल पहले इस संगठन की जितनी जरूरत आज नहीं पड़ी थी उतनी मेरे ख्याल से आज आवश्यकता है। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि उस समय में जितनी जरूरत नहीं, क्योंकि उस समय का समाज और परिवार संगठित थे, निष्ठावान थे, स्वाभिमानी थे और विचारधारा के प्रति एक निष्ठ थे। आज वर्तमान हमारा समाज हा विविधांगी स्वार्थ में, पद प्रतिष्ठा के लालच में या फिर किसी औरों के विचारधाराओं के साथीदार बनकर बाबा साहब के विचारों के पाईक होने का भी डंका पीटते हैं, मगर आज इस जमाने में, आज के विषम काल में सही मायने में अम्बेडकरी विचारधारा को लेकर काम करने वाले जाबाज लोगों की ज़रूरत है। और इसके लिए समाज के जो मैं और मेरे में जो फंसे हुए लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि हम साथ साथ जाएंगे, एक साथ जाएंगे, तूफान पड़े जहान में भीम के गीत गाएंगे, इस प्रकार के गीतों के माध्यम से हम आपस में संगठन की नींव रखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि ऊठ ऊठ सैनिका दुष्ट थे वतू पुरे सत्ता समता भारती धैर्य गाठ न करे, जिस प्रकार से ये संगठन के गीत है, इस माध्यम से हम चाहेंगे कि वर्तमान में ये समाज इस सैनिक आंदोलन के साथ जुड़े। जहाँ घर है वहाँ से एक सैनिक निर्माण हो, जहाँ गांव है वहाँ एक शाखा लगे, कम से कम उस जमाने में जैसा कि हमारे पूर्वज अखाड़ा शाखा चलाते थे, अष्टपहलू गुण के प्रशिक्षण पढ़ते थे और अष्टपहलू गुणों के साथ साथ अपनी विचारधारा के प्रति और अपने परिवार समाज की निष्ठा के प्रति जागरूक रहते थे। और इसीलिए बाहर का शत्रु हमारे समाज के ऊपर हावी होने को आगे पीछे देखता था। आज विषम काल में इस प्रकार की स्थिति नहीं, इसलिए हमारी ज़रूरत है कि आज के काल के दृष्टिकोण से हम फिर से एक बार एकता के साथ, संगठन के साथ, मूल ध्येय, मूल तत्व, मूल विचारधारा और इतिहास के साथ फिर एक बार इस संगठन को बनाने का प्रयास करें, संगठित होने का प्रयास करें और मैं और मेरे की भावना को नष्ट करने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आने वाले 15 जनवरी को आप सभी इस स्मृति भूमि हरदास घाट कनान में जय भीम के जनक बाबू हरदास एलन इनके समाधि स्थल को अभिवादन करने के लिए एकत्रित हो। आज हरदास स्मृति स्मारक हरदास घाट कनान इस स्मृति भूमि पर मैत्री इंडिया इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से इस परिसर में आकर जो इस परिसर का जो आकलन किया, इस परिसर की जो सत्यता ढूंढने का प्रयास किया, इसके लिए मैं मैत्री इंडिया के संचालक सम्माननीय वामन जी सोमकर इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। और इस चैनल के माध्यम से जय भीम प्रवर्तक बाबू हरदास एलन स्मृति समिति द्वारा किए जा रहे कार्य को और संत सिंगल के प्रशिक्षण के द्वारा जो कुछ एक्टिविटीज़ की जा रही उसका आंखों देखा हाल जन सामान्य के मन में उजागर कर संत सिंगल के आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद होंगी, एक कामयाबी होंगी, ऐसी मैं अपेक्षा करते हुए मैं इन शब्दों के साथ इस मैत्री इंडिया चैनल को अपनी शुभेच्छा प्रदान करता हूँ।